प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व जैव ईंधन दिवस के मौके पानीपत में 2G इथेनॉल संयंत्र ने राष्ट्र ने कराया समर्पित। केंद्रीय रक्षा सचिव अजय कुमार स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों की दी न जानकारी। कह स्वतंत्रता दिवस जलसा रमाए, सगला जिला रा एनसीसी कैडेटा ने भी दियो गयो है बुलाओ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर रा भिंडर में 3 छात्रावास की धरिया नींव। कह शिक्षा रा विकास में नी आबादी जावला कोई कमी। भाई बहन रो पर्व रक्षाबंधन मनाये जावला काल, बाजारा में भांत भांति राखी री खरीदारी खाता रुमट रही है भीड़। आज प्रदेश में बिरखा रो दौर जारी, कई जिला में बरसे चोखों में। मौसम महकमा ने मुजब आवाड़ा 2 दिना में 20 जिला में वैसे कह भारी बिरखा। खबरां में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। विश्व जैव ईंधन दिवस रे मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पानीपत में 2G इथेनॉल संयंत्र राष्ट्र ने समर्पित कराया। इन परियोजना के जरिए कचरा सुधन कमापारी जुगत में एक नवा अध्याय की शुरुआत फैला। इन मौके केंद्रीय पर्यावरण मंत्री समेत दूजा अधिकारी भी मौजूद था। इस वन के उपयोग को बढ़ावा देने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा पर एक फिल्म भी है, वो भी अब आप सभी को विश्व बायोफ्यूल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का कार्यक्रम पानीपत, हरियाणा समेत पूरे देश के किसानों के लिए बहुत अहम है। ये जो पानीपत में आधुनिक इथेनॉल का प्लांट लगा है, जैविक ईंधन प्लांट बना है, वो तो एक शुरुआत मात्र है। इस प्लांट की वजह से दिल्ली एनसीआर और पूरे हरियाणा में प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। मैं हरियाणा के लोगों को, विशेष रूप से मेरे किसान बहनों भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस विषय पर सकारात्मक प्रयास शुरू हुआ और केवल 8 वर्षों में भारत ने 1.4% से लेकर 10.16% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल कर लिया है। और ये लक्ष्य भी सीधा प्रसारण खातर चाला पानीपत। प्रति देश के पैसे भी बचा रही हैं। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से बीते 7-8 साल में देश के करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए बाहर विदेश जाने से बचे हैं और करीब करीब इतने ही 1,000 करोड़ रुपए इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से हमारे देश के किसानों के पास गए हैं। यानी जो पैसे विदेश जाते थे वो एक तरह से हमारे किसानों को मिले हैं। साथियों, 21वीं सदी के नए भारत में एक और बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। आज देश बड़े संकल्प ले रहा है और उन्हें सिद्ध भी करके दिखा रहा है। कुछ साल पहले देश ने तय किया था कि पेट्रोल में 10% तक
इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य पूरा करेंगे। हमारे किसान भाई बहनों की मदद से देश ने ये लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिया। 8 साल पहले हमारे देश में इथेनॉल का उत्पादन सिर्फ 40 करोड़ लीटर के आसपास होता था, आज करीब करीब 400 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन हो रहा है। इतनी बड़ी मात्रा में इथेनॉल बनाने के लिए कच्चा माल हमारे किसानों के खेतों से ही तो आता है, खासकर गन्ना किसानों को इससे बहुत बड़ा लाभ हुआ है। देश कैसे बड़े लक्ष्य हासिल कर रहा है, इसका मैं अपने किसान भाइयों बहनों को एक और उदाहरण देता हूं। 2014 तक देश में सिर्फ 14 करोड़ के आसपास एलपीजी गैस कनेक्शन थे। देश की आधी आबादी को, माताओं बहनों को रसोई के धुएं में छोड़ दिया गया था। बहनों बेटियों के खराब स्वास्थ्य और असुविधा से जो नुकसान होता है उसकी पहले परवाह ही नहीं की गई। आज विश्व जैव ईंधन दिवस है। हर बरस 10 अगस्त ने आज दिवस मनाया जावा है। जैव ईंधन दिवस रूथी ईंधन रा गैर परंपरागत साधना बाबत जाग जगावनो है। बत्ती जानकारी इंद्रा पटर में। ईंधन के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। ईंधन के गैर परंपरागत स्रोत में जीवाश्म ईंधन का ऑप्शन हो सकता है। इस दिन के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा बायोफ्यूल के क्षेत्र में किए गए विभिन्न कार्यों और प्रयासों को दर्शाया जाता है। भारत सरकार ने बायोफ्यूल के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं और प्रोजेक्ट्स को चालू किया है। 2015 से ही पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की ओर से विश्व जैव ईंधन दिवस यानी वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जा रहा है। कोई भी ईंधन जो बायोमास जैसे पौधा, शैवाल सामग्री या फिर पशु अपशिष्ट से हासिल किया जाता है उसे जैव ईंधन के तौर पर जाना जाता है। उसे एनर्जी के रूप में तैयार किया जा सकता है जो कि ऊर्जा का एक सतत स्रोत होता है। केंद्रीय रक्षा सचिव अजय कुमार आज स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां ने लेर सरकार उपक्ष धरिया खबर विशाल से बातचीत करता था। खबर बताया कि स्वतंत्रता दिवस रे मौके राखी जाए जलसा में सगला जिला रा एनसीसी कैडेटा ने भी न्यूतो भेजो गयो है। इंडर साथ ही स्वतंत्रता दिवस जलसो चावसो मनाये जापा खातर सावल बंदोबस्त कराया गया है। वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिजिनसली डिजाइनड एंड डेवलप्ड गन फॉर द सेरेमोनियल 21 गन सैल्यूट। So far, from independence time onwards, we have been using a British 1 pound ceremonial gun, the 21 gun salute. As you are aware, we have developed ATAGS gun, which has been designed by DRDO. We are for the first time inviting NCC cadets from all districts in the country. The children who sit on Gyanpath, which is right in front of the rampart, these will be NCC cadets from all who have been invited from all the districts, and they will be seated in the geographical formation of map of India in their local attire, which will symbolize Ek Bharat Shreshth Bharat as well as the cultural diversity of India. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह है कि शिक्षा रा खेतर में विकास में कोई कमी नहीं आबादी जावला। कार उदयपुर रा भिंडर रमाए गजेंद्र सिंह शक्तावत राजकीय कन्या महाविद्यालय कुरावड और बल्लभ नगर रा छात्रावास नींव धरता था काम। वह कह कि शिक्षा ने प्राथमिकता दी जावला।
मुख्यमंत्री कहा कि प्रदेश में 1232 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खोला गया है जिनसे गरीब तबका रा पढ़निया भी अंग्रेजी की शिक्षा ले सके। इंडे साथ ही 210 नुआ राजकीय महाविद्यालय 93 कन्या महाविद्यालय खोले जावरा। वे कहा कि राज्य सरकार का दिसू अबार ताणी 1.25 लाख नौकरियां दी गई है। वे बताया कि बाकी 1.25 लाख नौकरियां देबारी प्रक्रिया चल रही है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 246 बटालियन जयपुर डायला मुख्यालय में आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा जवाना के राखी बांधर वारी लंबी उम्र की कामना करी। पुलिस महानिरीक्षक विक्रम सहगल बताया कि छात्रावां फौजी भाया का राखी बांधी है जिनसे वारो मनोबल ऊंचो विय है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की और खुशी की बात है कि आज गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नायला की अध्यापिकाएं और उनकी बच्चियों ने यहाँ पर हमारे कैंप में आए उनके और राखी से एक दिन पहले उन्होंने अपने फौजी भाइयों को राखी बांधी है और उनका मनोबल ऊंचा किया है। जैसा कि आपको मालूम है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आज देश का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा केंद्रीय पुलिस बल है, अर्धसैनिक बल है और देश में पूरे राज्यों में सुरक्षा प्रदान कर रहा है और देश में शांति बहाल करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने में हमारे कई जवानों ने अपनी प्राणों का बलिदान दिया है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज देश के बच्चे बच्चियां यहाँ पर आए, उन्होंने हमारे जवानों को हमारे अधिकारियों को राखी बांधी है और उनके अंदर उन्होंने एक विश्वास जताया है कि इन फौजी भाइयों के कारण वे अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। देखिए, रक्षाबंधन पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। हर एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है, मगर हम अपनी ड्यूटी के साथ परिवार के साथ हमें देश की रक्षा का भी दायित्व मिला होता है, इसलिए हम समय से अपने घर नहीं जा पाते हैं। चूँकि हमारे पास हमारे भी भाई हैं तो हमारे भाई के साथ साथ ये पूरा देश पूरे देश के लोग की जो रक्षा का दायित्व है वो भी हमारे ऊपर है। उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। आज हमने जो जवान हैं उनके राखी बांधी है क्योंकि वो अपने घर से दूर हमारे लिए हमारी रक्षा करने के लिए यहाँ पर रह रहे हैं और वो अपनी बहनों से दूर हैं, इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके भी राखी बांधें और उन्हें भी इस रक्षाबंधन के बारे के महत्व का उनको रहे कि हाँ, हम हमारी बहनों से दूर नहीं हैं। आज़ादी की 75वीं सालगिरह ने अमृत महोत्सव का रूप में मनाया जा रही है। इंडे तहत देश भर में 13 अगस्त और 15 अगस्त तारी हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रही है। इन्हीं कड़ी में निम्बाहेड़ा भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल का निशु भी अभियान चलाया जा रही है जिंडे माए हर वर्ग बढ़ चढ़ भागीदारी निभा रही है। मंडल महामंत्री और पार्षद मयंक अग्रवाल वाड्रा रेडिया ने घर घर जार तिरंगा झंडा बांटा। अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी वारे सागहा। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रही है। इन अभियान ने ले भाजपा ओबीसी जयपुर शहर कारीसू भाजपा कार्यालय सू जैसलमेर बॉर्डर ताणी तिरंगा मोटरसाइकिल रैली काढ़ी जा रही है। रैली के जरिए भाजपा ओबीसी मोर्चा की मातृशक्ति कानीसू बनाएगी राखियां और मिठाया। तिरंगा रे साथ है जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा वाला तैनात जवाना ने भेंट करी जा। आज हमने एक बहुत ही अलग तरह का प्रोग्राम हमने रखा है पूरी ओबीसी मोर्चा जयपुर शहर की तरफ से और हम लोगों ने एक बाइक राइडर यहाँ से भेजा है जैसलमेर बॉर्डर तक अपने जवानों के लिए। तिरंगे भेजे हैं साथ में, मिठाइयाँ हमारी ओबीसी बहनों द्वारा बनाए गए रक्षा सूत्र और ट्रॉफियाँ वगैरह हम सब ने एक पूरा किट बना के उनको जस्ट अभी हमने उनको रवाना किया है और हमको बहुत खुशी है। सारे मोर्चे के लोग बहुत उत्सुक हैं इस कार्यक्रम को, एक अनूठी पहल है हमारी तरफ से। ये मैसेज दे रहे हैं कि जो लोग घर से दूर हैं वो भी इस तिरंगा जो पर्व मना रहे हैं उसमें शामिल हो, अपनी बहनों से जो दूर हैं भाई उनके भी रक्षा सूत्र बंधे। हम एक ये मैसेज दे रहे हैं हमारे ओबीसी भाई बहनों के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा जयपुर शहर द्वारा एक बाइक राइडर को आज रवाना किया गया है जो यहाँ से मिठाइयाँ फल और रक्षा सूत्र हमने यहाँ से भिजवाए हैं ताकि
जो बॉर्डर पर जो जवान तैनात है उनके हाथों में भी रक्षा सूत्र बन सके, और वो भी 15 अगस्त का जो ये त्यौहार है जो मनाया जा रहा है वो भी उसको सेलिब्रेट कर सके। भाई बहन रा प्रेम रो प्रतीक राखी रो पर्व काल चाव सुमराय जावला व्योपारा रबुजब आपका जयपुर में राखियारी चोखी बिक्री बैरी है। इन्न देखता थका बाजारा में भांत भांत रे राखिया सजोड़ी है। बत्ती जानकारी माखा खपा नवीस राहुल शर्मा सु। इस साल राखियों की कोरोना के बाद सेल अच्छी है, मगर 30% और 40% महंगी है। विशेषता क्या है, जो पहले हाथ की चिपकी हुई राखियाँ आती थी वो लेती नहीं, अब डोरे वाली राखियाँ आती हैं जो बंधी हुई रहती है साल भर तक, इस तरीके से चांदी की और ये ज़्यादा डिमांड आ रही है। फिर कुछ ही चूड़े की राखी, कुछ बैंगल्स और कुछ अलग अपना डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन रहा। तो अब ये क्या है, अब 3 साल मेरे बिजनेस इतना हो गया कि मैं और अच्छा कर सकती हूँ, इसको और आगे बढ़ा सकती हूँ। तो इसमें ये है कि मैं इसमें आज मैंने कई महिलाओं को भी योगदान दिया है इस काम में राखी के में, जैसे मैंने खुद ने बनाई और इसमें मैंने 4-5 अपने साथ महिलाओं को भी जोड़ा है, तो आगे लगता है उनके साथ 4 के साथ मुझे लगता है 10 महिलाएं और जुड़ेंगे। मैंने होममेड राखियां खरीदी हैं जो मुझे बहुत पसंद आई, मैंने मेरे भाई के लिए, भाभी के लिए, सबके लिए होममेड राखी खरीदी है। तैयारी तो बहुत अच्छी है, क्रेज आ रहा है हमें भी, और इनके यहाँ से ही हमारे राखियां ले रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी राखियां इनके आई हुई है अभी। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया आज 2 दिनारा दौरापाड़ा सीकर पुग्या, बैठे कलेक्ट्रेट सभागार में पशुआ में चाल रिया लंपी रोग की रोकथाम बाबत समीक्षा बैठक लेना। इन दौरान वे कया कि लंपी रोग ने अधिकारीगण गंभीरता से लेवे और पशुओं ने बचा बारे जुगत करे। बैठक में आए सीकर रा विधायक राजेंद्र पारीक और दाता रामगढ़ रा विधायक वीरेंद्र सिंह लंपी रोग की रोकथाम बाबत दवाया और दूजा बंदोबस्त खातर 5-5 लाख रुपया दे बारी घोषणा कर। प्रदेश के कई जिलों में फैला हुआ है और सीकर जिले के अंदर करीबन 5-6 तहसीलों में फैल चुका है, यहाँ पशुधन का नुकसान भी हुआ है, पर ये आगे नहीं फैले इसकी रोकथाम के लिए आज पूरे जिले की मीटिंग रखी गई है। ऐसा निर्देश दिए गए हैं कि वो हर गौशाला में जाके विजिट करें, अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाएं और जहाँ भी किसी प्रकार की कोई कमी महसूस करें प्रशासन को बताएं, क्योंकि ये जो बीमारी है इसमें जनता का जागरूक रहना भी जरूरी है। पशुपालक अवेयर रहे, वो पशु धन का ध्यान रखें, और जहाँ गौशालाएँ हैं उनमें हमारी जो प्रबंधन कमेटी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कहीं भी कोई संक्रमित पशु दिखे तो तुरंत गौशाला में उसको क्वारंटाइन करवाएं, दवाइयाँ उपलब्ध हैं, तो पशुधन को बचाने के लिए किसी प्रकार की कोई कमी सरकार की तरफ से नहीं रहने दी जाएगी। आजादी रा अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत जनरल पोस्ट ऑफिस जयपुर में आजादी से पहली विभाजन माला आधारित विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में नुमाइश लगाई जा रही है। इन नुमाइश में विभाजन रा भगत ने दर्शाए गयो है, स्कूल रा टाबर और नौजवान नुमाइश ने देखा। आजादी रा महोत्सव के तहत आज की कड़ी में देश रा पहली आला राष्ट्रपति वराहगिरी वेंकट गिरी ने याद कर रहा हां जारो जन्म 10 अगस्त 1894 में पियो हो। इनके साथ ही स्वतंत्रता सेनानी विनोद किरारी वाला ने भी वे याद कर रहा हां। आज की इस कड़ी में हम देश के पूर्व राष्ट्रपति वाराहगिरी वेंकट गिरी का स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म हुआ था 10 अगस्त 1894 को। उन्होंने श्रमिक वर्ग के हित में साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ काम किया। वो श्रमिक संघ के एकमात्र नेता थे जो देश के राष्ट्रपति बने। आई फील प्राउड एंड ऑनर्ड बाय द सिटीजंस ऑफ दिल्ली टू बी प्रेजेंट हियर ऑन दिस ग्रेट and memorable occasion, the eve of our Independence Day. This is not the time, if I may say so, for making speeches, but it is the time for action. In the first instance, we should remember the great martyrs, our great leaders, our father of the nation, our ex-prime ministers, who have sacrificed
their role for securing independence. बरहमपुर और मद्रास में आरंभिक शिक्षा के बाद गिरी 1913 में डबलिन में प्रतिष्ठित किंग्स इन में शामिल होने गए. आयरलैंड में वे आयरिश प्रतिरोधी आंदोलन के बड़े नेताओं के निकट संपर्क में आए. इनमें 19वीं शताब्दी के मध्य में लंबे समय तक सेवारत रहे वहां के प्रधानमंत्री एमॉन डी वलेरा भी शामिल थे. गिरी की भेंट महात्मा गांधी से 1914 में हुई जब वे लंदन आए. गिरी एक युवा विद्यार्थी के रूप में उनसे मिलने गए. वापस लौटने पर गिरी ने मद्रास उच्च न्यायालय में पंजीकरण करा लिया, लेकिन 1921 के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी. उन्हें पहली बार 1922 में शराब की दुकानों की नीलामी के विरुद्ध धरना देने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया. वीवी गिरी अखिल भारतीय रेलकर्मी परिसंघ के संस्थापक सदस्य थे. उन्होंने 1931 में लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया. 1927 में उन्होंने बंगाल नागपुर रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किया और ऐतिहासिक आंदोलन चलाकर ब्रिटिश प्रबंधन और सरकार को कामगारों से बातचीत के लिए बाध्य कर दिया. गिरी ने 1937 में मद्रास विधानसभा के चुनाव में बोबिल्ली के राजा को हराकर इतिहास रचा. इसके बाद वो मुख्यमंत्री सी राजगोपालाचारी की प्रोविंशियल सरकार में श्रम मंत्री बनाए गए. 1947 में वो फिर टी प्रकाशम की सरकार में मद्रास के श्रम मंत्री बने, लेकिन सीलोन में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किए जाने पर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया. गिरी ने उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में भी देश की सेवा की. वर्ष 1967 में वीवी गिरी देश के उपराष्ट्रपति बनाए गए. 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के बाद वे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने. उन्होंने 1969 से लेकर 1974 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा की. इस दौरान देश विदेश में कई बड़े बदलाव हुए. बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ. ब्रिटिश इंडिया काल की पूर्व रियासतों के लिए जारी प्रिवी पर्स को बंद कर दिया गया. 1 करोड़ से भी अधिक शरणार्थियों के भारत आ जाने के बाद पूर्वी पाकिस्तान का बांग्लादेश के रूप में उदय हुआ. वीवी गिरी को उनकी जनसेवा के लिए 1975 में भारत रत्न से अलंकृत किया गया. आज हम स्वतंत्रता सेनानी विनोद किनारीवाला को भी याद कर रहे हैं, जिनका निधन 1942 में 10 अगस्त को हुआ था. किनारीवाला का जन्म 20 सितंबर 1924 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था. उन्होंने 8 अगस्त 1942 से शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन में पूरी सक्रियता से भाग लिया. आंदोलन के दौरान किनारीवाला के कॉलेज के विद्यार्थी अहमदाबाद में एकत्र हुए. ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए उन्होंने 10 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो का आह्वान किया. पुलिस के सहायक अधीक्षक अपने पुलिस बल के साथ आंदोलन स्थल पर पहुंचे और विद्यार्थियों पर गोली बरसाने का आदेश दिया. इसी गोलीबारी में विनोद किनारीवाला आंदोलन स्थल पर ही शहीद हो गए. आज हम शहीद कुनार सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश के झांसी के कुनार सिंह ने आजादी की पहली लड़ाई के दौरान अंग्रेजों से संघर्ष के लिए सैनिकों का नेतृत्व किया. उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों की आर्थिक सहायता भी की. कुनार सिंह को ब्रिटिश सेना ने गिरफ्तार कर लिया और उन पर लूटपाट, हत्या और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भड़काने के आरोप लगाए गए. उन्हें 10 अगस्त 1858 को फांसी दे दी गई. राजस्थान रोडवेज का रिसु राखी पर्व बोके लुगायर बालिका वाले मुफ्त यात्रा रो तोहफो दियो गयो है. इंड तहत वे राजस्थान की सीमा तानी डिलेक्स बसा में मुफ्त यात्रा कर सकेली. इन्हीं बात जेसीटीएल का निसु चलाई जा रही सगली श्रेणी री बसा में शहरी सीमा तानी लुगायर ने मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है. प्रदेश में बिरखारो दौर जारी है. मंगलवार ने कई जिला रमाए चोखो में बरसो.
सबू बत्ती बिरखा प्रतापगढ़ में दर्ज करी की है। डलावा झालावाड़ और जयपुर में भी बिरखा रो दौर जारी रियो। मौसम महकमा रे मुजैब आबाड़ा दो दिन में 20 जिला में भारी बिरखा रा आसार है। अबाड़ताणी प्रदेश में 328.65 मिलीमीटर औसत बिरखा मुकाबले 400.94 बिरखा बह चुकी है, जो 22% बत्ती है। लाडले बरस अबाड़ताणी 356.14 मिलीमीटर बिरखा दर्ज करेगी है। उपरोक्त सिस्टम के असर से पूर्वी राजस्थान में अगले 4-5 दिन फेयरली वाइड स्प्रेड टाइप की रेनफॉल होने की संभावना है, यानी भरतपुर जयपुर और अजमेर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी जारी रहेगी। वहीं साउथ राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट स्पेशली कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में अगले 4-5 दिन कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ स्थानों पर यानी स्कैटर्ड प्लेसेस पे लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल थंडरस्टॉर्म के साथ में रिपोर्ट होने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा बात करें यदि एक और लो प्रेशर सिस्टम की, तो चूंकि बे ऑफ बंगाल में अगले 1-2 सप्ताह में बैक टू बैक सिस्टम्स फॉर्म हो रहे हैं और इस सिस्टम के असर से राजस्थान में अगले 2 सप्ताह के दौरान कुल मिलाकर मानसून के सक्रिय बने रहने के लिए कंडीशंस अनुकूल है। अरे बे खास खबर एक कर फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व जैव ईंधन दिवस के मौके पानीपत में 2G इथेनॉल संयंत्र ने राष्ट्र ने करया समर्पित। केंद्रीय रक्षा सचिव अजय कुमार स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां भी दी जानकारी। कया स्वतंत्रता दिवस जलसा रमाए सगला जिला रा एनसीसी कैडिटा ने भी दियो गयो है बुलाओ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर रा भिंडर में 3 छात्रावास से धरिया नींव। कया शिक्षा रा विकास पर नहीं आबादी जावला कोई कमी। भाई बहन रो पर्व रक्षाबंधन मनाए जावला काल बाजारा में भांत भांत की राखी की खरीदारी खातर उमड़ रही है भीड़। आज प्रदेश में बिरखा रो दौर जारी। कई जिला में बरसे चोखों में मौसम महकमा ने बुझा बाबड़ा दो दिन में 20 जिला में बह सके भारी बिरखा। इंडा साथ ही या बुलेटिन अठे पूरी हो सा नमस्कार।